एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, जो भी इंडेक्स आए, आपकी जो भी रैंकिंग आती है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर आए या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए, उनके बारे में बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं कि हर परीक्षा में हो। ठीक है, तो याद रखिए, आज बात करेंगे हम लोग स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट के बारे में। तो आपने हाल ही में देखा होगा कि मोबाइल क्रेच एनजीओ द्वारा प्रकाशित की गई है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट के अनुसार बाल कल्याण की दृष्टि कौन से केरल भारत का शीर्ष राज्य है, यानी कि केरल भारत का नंबर वन पर है। कौन सा, कहाँ है केरल? ए है हमारा प्यारा भारत, ए दक्षिण भारत का राज्य है केरल। कहाँ का? दक्षिण भारत का राज्य है केरल। ए आप देखेंगे केरल, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ए है। ठीक है, एक बात एक हमेशा याद रखिए, अगर जहां माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव पॉइंट नहीं लिए जाते हैं, अगर ऐसी परीक्षा में आप लोग बैठे हैं और कभी आपसे पूछे किसी इंडेक्स के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में, तो आप केरल बेझिझक लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कहूंगा कभी भी कि हमेशा केरल नंबर वन पर रहता है, लेकिन अधिकतर इंडेक्स में आप स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, शिक्षा के मामले में ले लीजिए, महिलाओं की स्थिति के मामले में ले लीजिए, केरल नंबर वन पर ही रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब उत्तर भारत में जब या तो धर्म के नाम पर वोट पड़ रहे थे या जाति के नाम पर वोट पड़ रहे थे, तब दक्षिण भारत के कई राज्यों केरल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले पर वोट पड़ रहे थे, और इसी के नाम पर पूरी राजनीति होती थी। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए आप देखते हैं कि केरल बेहतर, आप लिंग अनुपात में देख लीजिए, शिक्षा के, साक्षरता के मामले में देख लीजिए, नंबर वन पर है, किसी भी स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए आप लोग। तो देखिए, धर्म के नाम पर, ये आप सोचिए, जाति के नाम पर, या वोट बैंक तो इकट्ठा किया जा सकता है, चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन इतना नहीं है कि राज्यों का आप लोग विकास कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, देश का कभी विकास नहीं हो सकता है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर की जगह काम करने पर जोर देना चाहिए। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट मोबाइल क्रेच नामक एनजीओ द्वारा विकसित की जाती है। यह एनजीओ बाल कल्याण के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में मुख्यतः दो सूचकांकों की चर्चा की गई है। पहला है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, दूसरा है यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स। तो आपसे पूछे अगर कि स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप याद रखिए मोबाइल क्रेच नामक एनजीओ। ठीक है, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स की बात करें तो इस रिपोर्ट में बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण का मापन, शिशु मृत्यु दर, स्टंटिंग और प्राथमिक शिक्षा हेतु उपस्थिति जैसे मानकों को आधार बनाया जाता है। इन के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, इस इंडेक्स को, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स को। यह इंडेक्स 2005 से 2006 2015-16 की समावधि के मध्य तैयार किया गया है। इसका मापन 0 से 1 के मध्य किया गया है। इसमें भारत का औसत स्कोर 0.585 रहा है। केरल 0.558 के स्कोर के साथ शीर्ष, यानी कि टॉप में है, यानी कि ऊपर है सबसे। केरल के अतिरिक्त अन्य शीर्ष राज्यों की बात करें तो गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम आपको देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय औसत में से खराब प्रदर्शन की बात करें तो 8 राज्य मिलेगी, असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। और इनको राज्यों को आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा गरीबी आपको यहीं देखने को मिलेगी। बिहार के बारे में आपके दिमाग में जब भी बिहार राज्य आता है तो क्या आता है? गरीबी, अशिक्षा, हर क्षेत्र में आप एक तरह से कह दिए ये पिछड़ा हुआ है। अभी आपने देखा है कि चुनाव चल रहा है, तो मैंने आप पहले भी आप लोगों से कहा था कई बार कि एक मुद्दा पकड़ लेंगे। देखिए, स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए था, शिक्षा का होना चाहिए था, अभी बाढ़ आई हुई है उसका मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन सुशांत का मुद्दा लेकर पूरा चुनाव खत्म हो गया है। वही रह रहा है कि भगवान के नाम पर राजनीति करते करते लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, और भगवान अभी तक बाहर ही बैठे रहे हैं, यानी कि बेचारा जो मर गया है उसके नाम पर भी वोट बैंक बटोरा जा रहा है। तो आप सोचिए, कहाँ जब अंधभक्ति पर लोग वोट देंगे और इस तरह के मुद्दों पर काम वोट पड़ेंगे, तो आप सोचिए कामों की कोई एक तरह से महत्व नहीं रह जाएगा। दिल्ली में आप देखिए कितना बेहतर स्कोर कर रहा है, दिल्ली कितनी अच्छी सुविधा मिल रही है, यहाँ तक देखा गया है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है स्कोर। तो देखिए, मुझे लगता है कि अब हम लोग जिस टाइम जी रहे हैं, इस टाइम शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, ना कि हम जाति, इस जाति के, हम इस धर्म के हैं। ठीक, अगर आपको देश को आगे ले जाना है,
और पावरफुल बनाना है कंट्री को, तो बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। और आप देखेंगे कि बिहार के मतलब जितने भी नेता हैं, जो नेता बने वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन जनता वहीं घिसपिट रही है, उसी त्रासदी में जी रही है। यंग चाइल्ड एनवायरमेंटल इंडेक्स की बात करें तो यह इंडेक्स पर्यावरण उत्प्रेरकों को बाल कल्याण की दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। इस इंडेक्स का मापन गरीबी, स्वास्थ्य कवरेज, शिक्षा स्तर में सुधार, जलापूर्ति जैसे मानकों के आधार पर निर्मित है। डाटा के अभाव में यह सूचकांक मात्र 2015-16 हेतु निर्मित किया गया है। इस इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 राज्यों में क्रमशः केरल, गोवा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश है। इस इंडेक्स से में खराब प्रदर्शन करने वाले 5-8 राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार रहे। इन राज्यों का प्रदर्शन यंग चाइल्ड आउटक्रम इंडेक्स भी में भी खराब रहा है। बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। कहिए कि अगर आपसे पूछता है तो बिहार सबसे नीचे और केरल सबसे टॉप पर। एक बात आप लोग देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस तरह की सुविधाएं, आप सोचिए, मूलभूत जरूरतें हैं किसी भी व्यक्ति की, कहीं भी कोई रह रहा हो, तो इन्हीं के आधार पर इस इंडेक्स को एक तरह से बनाया जा रहा है। तो इससे इस क्लियर मालूम चलता है कि राज्यों की स्थिति कहाँ है, राज्य कौन कितना पिछड़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। रिपोर्ट के अन्य तथ्यों की बात करें हम लोग तो बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं भी दी गई हैं। रिपोर्ट ने बताया कि भारत में बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य पर 2018-19 में प्रति बच्चा 1,723 रुपया खर्च किया जाता है, परंतु यह अपर्याप्त है, यानी कि बहुत कम है। विगत कई वर्षों में निरंतर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बजटीय आवंटन बढ़ा है, परंतु यह बजट ICDS में व्यय होता है। भारत में 6 वर्ष से कम 158.8 मिलियन बच्चे हैं, परंतु ICDM यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं मात्र 71.9 मिलियन बच्चों को कवर करती हैं, यानी कि आधे बच्चों को लगभग कवर करती हैं, इसमें आधे से भी कम है, आप समझ रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे इस योजनाओं से, इस तरह की सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाओं की बात करें तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और वर्ष 1975-76 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों के समग्र विकास और माँ के सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 1975 में शुरू की गई थी। 0 से 6 साल की आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, मृत्यु दर, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वालों की घटनाओं को कम करने के लिए, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय प्राप्त करना, माता को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाने के लिए। आप खुद सोच के देखिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप खुद सोचिए, आप सोचिए कि एक कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसे बेहतर डाइट देते हैं आप लोग तो एक बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चे को एक शिक्षा देते हैं आप लोग बेहतर तरीके से, तो आप सोचिए एक वो निर्माण मतलब एक तरह से संसाधन बन जाएगा मानव संसाधन, कि वो अपने परिवार की देखभाल तो करेगा ही, साथ देश में विदेश के विकास में भी अपना योगदान करेगा। और इसे उल्टा करके देख लीजिए आप लोग, बस्तियों की स्थिति यही तो है, बिहार राज्यों की स्थिति यही तो है कि जो महिला है वो भी कुपोषण रहती है, एक तरह से विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त रहती है, तो जो भी बच्चा आता है वो भी बीमार भी होता है, फिर उसे शिक्षा नहीं दी जाती है, उसे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो वो गरीबी में ही बना रह जाता है। और तब तक जनता जब तक अमीर नहीं होती है, जब तक देश गरीब ही बना रहेगा, ठीक है। जिस दिन जनता आगे बढ़ जाएगी उस दिन देश अपने आप बढ़ जाएगा, इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। सेवाएं, उपयुक्त उद्देश्यों से युक्त सेवाएं, पूरक पोषण, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं और पूर्व स्कूल गैर औपचारिक सेवा, पोषण और स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 6 सेवाओं में से 3 अथवा अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। लास्ट में यही कहिए आप लोग कि भारत में बाल कल्याण हेतु निरंतर प्रयास किए गए हैं, परंतु क्षेत्रीय बाधाएं, इंक्लूसिव एरर जैसी समस्याओं ने बाल कल्याण को तृणमूल स्तर तक नहीं पहुंचने दिया है। बच्चे राष्ट्र के भविष्य की महत्वपूर्ण कड़ी है,
अतः ऐसे में सरकार और तथा नागरिक समाज को बाल कल्याण की दिशा में बेहतर तथा एफिशिएंट कार्य करने की आवश्यकता है। आप सोचिए, बड़ी शर्म की बात है अगर आप, मुझे लगता है कि बेहतर पढ़े लिखे होते और आप बेहतर हर क्षेत्र में देख जाकर देखते तो हम क्षेत्र में, हमें अपने आप में शर्म आती होगी हम लोगों को कि जिन्हें हम लोग भविष्य कहते हैं देश का, वही भविष्य खतरे में डाला हुआ है। तो अब क्या बोला जाए इनके बारे में। नेता देखिए अपना पेट भरने के लिए आते हैं और निकल जाते हैं, कोई किसी से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं तो वो भी अपनी औकात दिखा देता है, समझ रहे हैं। चलिए आर्टिकल को आप लोग इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उन्हें याद रखिए, क्योंकि इसे मेंस में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसमें जो आंकड़े दिए गए उन्हें पॉइंट को आप मेंस और या फिर कभी निबंध भी लिख रहे हैं आप लोग तो उसमें भी डाल सकते हैं, ठीक।